हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो इनोवेशन। आज हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक E100 पायलट प्रोजेक्ट पर। मोदी जी ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 पर आयोजित प्रोग्राम में E100 पायलट प्रोजेक्ट पुणे में शुरू किया है। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सरकार E20 अधिसूचना जारी कर रही है। भारत में 2020 से 2025 के दौरान इथेनॉल सम्मिश्रण से रिलेटेड रोडमैप के बारे में विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट जारी की है मोदी जी ने। 2020 से 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को पूरा करने का संकल्प लिया गया है, जिसके अतिरिक्त एथेनॉल आसवन क्षमता स्थापित करने में मदद मिलेगी और देश भर में मिश्रित ईंधन उपलब्ध कराने के लिए समय सीमा प्रदान की जाएगी। मोदी जी ने कहा, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, भारत उनके प्रति जागरूक भी है और सक्रियता से काम कर रहा है। अब इथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया है। इथेनॉल पर फोकस से पर्यावरण के साथ ही एक बेहतर प्रभाव किसानों के जीवन पर भी पड़ रहा है। दुनिया भारत को चुनौती के रूप में देखती थी, अब इसे जलवायु न्याय के लीडर के रूप में देख रही है। इथेनॉल की कमी वाले राज्यों में 7500 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ 11 अनाज आधारित मेगा इथेनॉल रिफाइनरी की योजना बनाई गई है, जिससे प्रतिवर्ष बढ़ जाएगा 150 करोड़ लीटर इथेनॉल डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी ऑयल। इंडियन ऑयल हरियाणा के पानीपत में इथेनॉल का 3G रिफाइनरी स्थापित कर रहा है। मोदी जी ने बताया, बीते साल ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने 21,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल खरीदा है। इसका बड़ा हिस्सा किसानों की जेब में गया है। मोदी जी ने कहा, 21वीं सदी के भारत को आधुनिक सोच नीतियों से ही ऊर्जा मिलेगी। इसी सोच के साथ हमारी सरकार हर क्षेत्र में निरंतर नीतिगत निर्णय ले रही है। आइए जानते हैं क्या है इथेनॉल फ्यूल। हाल ही में केंद्र सरकार ने इथेनॉल को स्टैंड अलोन फ्यूल के रूप में इस्तेमाल को मंजूरी दी थी और तेल कंपनियों को सीधे E100 बेचने की अनुमति दे दी गई। हालांकि इस फ्यूल का इस्तेमाल उन्हीं गाड़ियों में होगा जो E100 कंपेटिबल होंगी। इसे पेट्रोल में मिलाकर 35% तक कार्बन मोनोऑक्साइड कम किया जा सकता है, जिससे आम लोगों को प्रदूषण से राहत मिलेगी। आइए अब समझते हैं इथेनॉल क्या होता है, वह कैसे बनता है। इथेनॉल एक तरह का एल्कोहल है, जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इथेनॉल का उत्पादन यूं तो मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली अन्य फसलों से भी तैयार किया जा सकता है। अब सरकार चावल से भी इसे तैयार करने की योजना बना रही है। इसे पेट्रोल से मिक्स करके बेचा जाएगा। आइए जानते हैं हमारे लिए कैसे है यह फायदेमंद। इससे भारत की क्रूड पर निर्भरता कम होगी। इथेनॉल से चलने वाली गाड़ी पेट्रोल के मुकाबले बहुत कम गर्म होती है। इथेनॉल में एल्कोहल जल्द उड़ जाता है, जिससे चलता इंजन जल्दी गर्म नहीं होता। इथेनॉल के इस्तेमाल से किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, क्योंकि इथेनॉल गन्ने मक्का जैसी फसलों से बनाया जा सकता है। आइए अब समझते हैं क्या यह हर गाड़ी में डलेगा। वैसे तो इसे पेट्रोल में मिलाया जाता है, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो इथेनॉल फ्यूल पर आधारित नए व्हीकल लॉन्च होंगे। जल्द ही बाजार में इथेनॉल इंजन वाली गाड़ियां भी होंगी। थैंक